देखिए मैंने अंडा आलू को पानी में डाल दिया और बर्तन चढ़ा दिए, इसको गर्म होने दीजिए। देखिए मैंने अंडा बॉईल कर लिया है, बॉईल करके कुछ छिलका उतार दिए हैं, आलू भी बॉईल हो चुके हैं। अब इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। मैं अंडा चॉप बनाने के लिए बेसन ले ली हूँ, इसमें पिसी हुई मसाला है, जीरा, गोभी, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट बना के रखी थी, वो आप डाल दीजिए। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब इसमें वाटर डाल के मिक्स करते हैं। अदरक लहसुन मिर्च सबको हम दरदरा पीस लेते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें सरसों तेल डालें, आपकी जितनी मर्जी डाल सकते हैं, हम तो अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। अब इसमें दरदरा कुटी हुई अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। आलू बॉईल आलू मैं रखती थी उसको डाल दी। अब नमक डालें क्योंकि मेरा बेसन में भी नमक है। अब इसको देखिए रेडी हो गया है, इसको अंडा चॉप बनाने के लिए देखिए सभी अंडा में आलू हाफ आलू हाफ अंडा बॉईल करके रेडी कर चुकी हूँ। अब इसको बेसन में लगा के इसको तलना है।
बोल ले रहा था भाई, सोच उठते कर मैं बता रहा था जानकारी को बहुत सही धनिया टमाटर की चटनी है प्लस सॉस है टमाटो सॉस, ये है अंडा सॉस, टमाटर और धनिया की चटनी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं टमाटर पानी दे रही हूँ, धनिया टमाटर इसमें लहसुन मिर्च नमक डाल चुके हैं, इसको चटनी बनाते हैं। देखिए मेरी धनिया टमाटर की चटनी बनके रेडी हो चुकी है।